झारखंड में सत्ता वापसी की कवायद में जुटी हेमंत सोरेन की पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। एक तरफ खुद हेमंत जहां सीएम पद के दावेदार हैं, वहीं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है। दोनों के फेस पर चुनाव लड़ रही झारखंड मुक्ति मोर्चा के तीन और भी किरदार हैं। रांची के सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि ये तीनों ही पर्दे के पीछे से लगातार दूसरी बार हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की पटकथा लिख रहे हैं। ये तीन नाम हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे और अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू। तीनों ही नेताओं को हेमंत सोरेन का करीबी माना जाता है। तीनों मुख्य धारा की बजाय लंबे वक्त से संगठन की ही राजनीति करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मैत्री और आज बात उन तीन पर्दे के पीछे जेएमएम की जीत की स्क्रिप्ट लिख रहे नेताओं की। पहला नाम है अभिषेक प्रसाद पिंटू का। कायस्थ समुदाय से आने वाले अभिषेक प्रसाद पिंटू को हेमंत सोरेन का आंख कान माना जाता है। सियासी गलियारों में तो यहां तक कहा जाता है कि पिंटू हेमंत के सबसे करीबी हैं। 2019 में जब हेमंत मुख्यमंत्री बने तो पिंटू को मीडिया सलाहकार बनाया गया। 2024 में जब प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत पर शिकंजा कसा तो लपेटे में पिंटू भी आए। हालांकि अब हेमंत के साथ साथ पिंटू भी चुनाव के मैदान में उतरे हैं। पिंटू को जेएमएम ने स्टार प्रचारक नियुक्त कर रखा है। सूत्रों के मुताबिक पिंटू मुख्य रूप से हेमंत के सारे प्लानिंग को अमल करने का काम करते हैं। हाल ही में जेएमएम में एक ही दिन में बीजेपी के 6 बड़े नेताओं को तोड़ लिया। झारखंड के इतिहास में ये जेएमएम का सबसे बड़ा सियासी ऑपरेशन था। हेमंत के इस काम में पिंटू ने बड़ी भूमिका निभाई। कहा जाता है कि रात में ही सबको एक एक कर हेमंत के निवास पर बुलाया गया और पार्टी ज्वाइनिंग कराई गई। पिंटू इसके अलावा चुनावी रणनीति का भी काम करते हैं। हेमंत के मंच और मुद्दा तय करने में भी पिंटू अहम भूमिका निभा रहे हैं। दूसरा नाम है सुप्रियो भट्टाचार्य। बंगाली ब्राह्मण सुप्रियो भट्टाचार्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता हैं। सुप्रियो जेएमएम के सबसे बड़े टीवी फेस भी हैं। हालांकि इस बार सुप्रियो चुनावी रणनीति बनाने में पर्दे के पीछे से बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सुप्रियो जेएमएम के चुनाव से जुड़े मुद्दे देखते हैं। किन मुद्दों पर आयोग और बीजेपी को बैकफुट पर लाया जाए, इसकी रणनीति सुप्रियो ही बनाते हैं। हाल ही में उनके उठाए दो बड़े मुद्दे झारखंड की सियासत में खूब सुर्खियां बटोरी। सुप्रियो ने आरोप लगाया कि ग्रामीण इलाकों में वोटिंग का समय आयोग ने कम कर दिया, जिस पर आयोग को सफाई देनी पड़ी। इसी तरह सुप्रियो ने बरहेट में हेमंत के प्रस्तावक के अपहरण का मुद्दा उठाया। कहा जाता है कि हेमंत के प्रस्तावक को अपने पाले में लाकर बीजेपी बरहेट में खेल करना चाहती थी, लेकिन सुप्रियो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुद्दे को भी डाइवर्ट कर दिया। सुप्रियो मीडिया मैनेजमेंट का भी काम देख रहे हैं। हालिया लोकसभा चुनाव में उनके जमशेदपुर से लड़ने की चर्चा थी, लेकिन हेमंत ने उन्हें संगठन में ही बनाए रखा। सुप्रियो ने हेमंत के पिता शिबू सोरेन की देखरेख में राजनीति शुरू की थी। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद कुमार पांडे भी पर्दे के पीछे जीत की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। पांडे कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर सहयोगियों तक से बातचीत और बगावत को रोकने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। पांडे को जेएमएम के भीतर संगठन के नेता के तौर पर जाना जाता है। पार्टी के बड़े फैसले में उनका सीधा हस्तक्षेप है। पांडे शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन के जरिए सोरेन परिवार के करीब आए। उन्हें हेमंत सोरेन का करीबी माना जाता है। कहा जा रहा है कि जेएमएम जब राजनीतिक संकट से गुजर रही थी, तब विनोद कुमार पांडे ने कल्पना सोरेन की सियासी लॉन्चिंग में अहम भूमिका निभाई। हेमंत जब जेल से आए, तब कल्पना के साथ साथ विनोद पांडे ही उनके मंच पर थे। आपको बता दें कि विधानसभा का चुनाव इस बार जेएमएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के फेस पर लड़ रही है। एक तरफ जहां हेमंत अभी शुरुआत में रोजाना 2 रैली कर रहे हैं, वहीं कल्पना 3 बड़ी रैली के साथ साथ छोटी छोटी सभाएं कर रही हैं। पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के सियासी केंद्र में कोई महिला नेता है। कल्पना के जरिए हेमंत आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग के महिलाओं को साधने की कवायद में जुटे हैं। कल्पना अपनी रैली में झारखंड की स्मिता और महिला सम्मान को बड़ा मुद्दा बना रही है। ये खबर लिखी थी अविनेश कुमार मिश्रा ने। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।